जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय फॉलोअर्स व्यूअर्स। आई प्रे कि माता रानी मेरे सारे फॉलोअर्स की लाइफ को खुशियों से भर दे, ऑफ कोर्स मेरी भी। तो दिस इज़ अ डे 8 ऑफ माय व्लॉग सीरीज। तो डे 8 में था नवरात्रि का पहला दिन और मैं फास्ट में थी, और सही बताऊँ तो केक बनाने का बिल्कुल भी कोई भी मूड नहीं था। पर हमारे नेबर्स में ही एक लड़की है, मतलब उसने मुझे, उसके हस्बैंड का बर्थडे था तो वो मेरे घर पे ही आ गई कि दीदी एक केक बना दो शाम तक। और उसकी भी छोटी सी डॉटर है 2 मंथ्स की, तो कह रही है इसका नाम लिख देना इसकी तरफ से। मैंने उसको बोला यार मेरा फास्ट है और मेरा बिल्कुल मूड नहीं था वैसे आज काम करने का, बट वो मुझे वो पटियाला वाला केस बताने लग गई। आपने भी सबने सुना होगा, बहुत ही मतलब दर्दनाक केस था वो जो 10 ईयर्स गर्ल के साथ हुआ। तो वो कहने लग गई दीदी बाहर से तो मैं ऑर्डर करने नहीं वाली, अगर आप बना हो तो ठीक है और अदरवाइज मैं तो नहीं ऑर्डर करूंगी। तो मैंने सोचा है कंजक है, 2 मंथ्स की है छोटी सी लड़की, वो अपने पापा के लिए बनवाने मतलब एक तरह से उसकी तरफ से ऑर्डर कर रही थी। तो बस आप समझ लो कि बिल्कुल मना नहीं कर पाई। और मैं नवरात्रे के फर्स्ट डे मैंने एक लिटिल कंजक के लिए केक बनाया। वीडियो के एंड तक देखना, मैं उस लिटिल कंजक की फ़ोटो भी ऐड करूंगी। तो बहुत छोटा सा केक चाहिए था क्योंकि उनके घर पे भी सब फास्ट कर रहे थे, तो उसने मुझे बोला कि आप बहुत छोटा सा केक बना देना। तो ये मेरा एक हाफ केजी का केक था, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी प्लस गनाच ऐड की। आपने देखा होगा बहुत जल्दी जल्दी में सारा कुछ हो गया, बट यस मैंने उसको अच्छे से क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया था। और फिर यहाँ पे अब आप बोलोगे फिर से टर्क्यूज कलर, यस आज फिर टर्क्यूज शेड है क्योंकि मुझे क्लाइंट ने ही यही फ़ोटो भेजा था, तो उसने जो फोटो भेजी थी मैं उसी के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। बट ऊपर मैंने यहाँ पे, वो मेरे पास एक फॉन्डेंट, एक मोल्ड है सिलिकॉन का, जिससे मैंने फॉन्डेंट के कुछ हार्ट्स बनाए हैं, कुछ वाइट और कुछ पर्पल, तो वो मुझे केक के पर ही लगाने हैं। और उनको स्टिक किया है मैंने वाइट चॉकलेट से, तो यहाँ पे मैं डुअल शेड में वाइट एंड टर्क्यूज से साइड पे डिजाइनिंग कर रही थी और ऊपर से मैंने यहाँ पे ये स्वर्ल्स बना रहे थे। तो साइड का इफेक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऑल्दो केक की हाइट काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, छोटी सी तो हाइट थी, बट उसके कंपैरेटिवली केक बहुत सुंदर लग रहा था। थोड़ा सा नोजल वर्क किया, तो वाइट चॉकलेट लगाने के बाद मैंने उसको रख दिया था फ्रिज में ताकि वो सेट हो जाए। अब आप देख रहे हो सेट हो गया है। तो मैंने इसके ऊपर किया स्प्रे क्योंकि फोटो इसी तरह से थी, स्प्रे करने से काफ़ी अच्छा शाइन आ जाता है इसमें। तो स्प्रे करने के बाद मैंने यहाँ सेंटर में लगा दिया था एक पर्पल एक वाइट फिर पर्पल वाइट, इस तरह से मैं इसमें लगा रही थी। और इसके बाद मैं जब हैप्पी बर्थडे टैग लगा रही थी ना, तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही थी गोल्डन अच्छा लगेगा कि ब्लैक अच्छा लगेगा। तो मैंने दोनों लगा के देखे तो मुझे ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगा, सो मैंने फाइनली ब्लैक के साथ ही क्लाइंट को दिया। और फिर मैंने लिखा आगे उस प्यारी सी डॉल का नेम कि आन्याज डैड, मतलब उसके पापा का बर्थडे है। सो मेरी क्लाइंट को बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी फ्रेंड्स आज का केक अच्छा लगा होगा, तो वीडियो के एंड में देखना ज़रूर, मैंने वो प्यारी सी डॉल की फ़ोटो भी लगाई है। तो अगर आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।